जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर कोमल मैम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम हियर टू अनाउंस अ वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज आवर साइंस टीचर्स आर ब्रिंगिंग अ वीडियो लेक्चर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10. दिस वीडियोज आर गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो प्लीज ट्राई टू वॉच ऑल द वीडियोज एंड ऑल्सो if you have any doubt you can first of all mention down in the comment section. Also we are going to bring the live sessions for you just before your examination so that we can have one-to-one interaction with you people. Before that I would like to tell you that Ashish sir is going to see the chemistry portion and इन्होंने already chemical equation and reaction वाला chapter upload कर दिया है. Physics में सौरव सर ने लाइव चैप्टर कंप्लीट कर दिया है विद क्वेश्चंस एंड यस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है. ट्रस्ट मी बच्चों, इतना इजी चैप्टर है. अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे काम कर लिया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है. आप बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस करके ले जाओगे एंड ऑफकोर्स हम तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट. So this chapter is heredity and evolution, but new board का जो syllabus था उसके according evolution वाला जो portion है वो cut हो चुका है. अब ये और भी easy हो गया है, सिर्फ heredity बचा है इसके अंदर. So बिना time waste करें let's start. What is heredity? Okay? Heredity क्या होता है बेटा? Basically अगर आपने देखा होगा आपका एक friend है और आप हो, ठीक है, दोनों अगर साथ खड़े हैं तो क्या कभी कोई आपसे बोलेगा अरे यार ये तो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है? ठीक है, या कोई भी अनदर पर्सन है उसको बोलेगा यार ये तो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है? नहीं, आपके फ्रेंड और आप में बहुत बहुत डिससिमिलैरिटीज होंगी. लेकिन अगर यही आपका भाई बहन आपके साथ खड़ा हो तो बोलेंगे कि ये आपकी बहन है क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिल रही है. या आप अपने फादर या मदर के साथ खड़े हो, अच्छा ये आपका बेटा है, तो मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आपके मैच हो रहे होंगे आपके फैमिली ट्री में. क्योंकि आपका फ्रेंड आपकी फैमिली ट्री से नहीं था इसीलिए उसके कैरेक्टर्स आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब जो एनसीईआरटी की लाइन है, पहले मैं उसे रीड कर देती हूँ. द प्रोसेस बाय विच द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड. उन्होंने बोला ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर. देखो एक और बात, अगर आपके फैमिली में आपके दादाजी दादी जी आप पापा मम्मा सब साथ रहते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हो सकता है दादाजी जैसे हो, ठीक है, या हो सकता है वो आपकी नानी जी के जैसे हो, या फिर वो आपके नाना जी के जैसे हो, मामा जी के जैसे हो, या चाचा जी के जैसे हो. लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कभी भी आपकी मामी जी के जैसे नहीं होंगे, कभी भी आपके चाची जी के जैसे नहीं होंगे. ऐसा क्यों? बिकॉज चाची जी और मामी जी बिल्कुल दूसरी फैमिली से आई हैं, वो आपके ट्री में नहीं हैं, ठीक है. इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके वो ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, ना कि कोई बाहर के अदर पर्सन से. ओके सो दिस इज हेरिडिटी. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर इनहेरिटेंस. दैट इज योर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स आ रहे हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, हम उसको बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस, मतलब जीन फ्लो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनहेरिटेंस. अब हम देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेट्स. वन इज एक्वायर्ड ट्रेट एंड अनदर इज द जेनेटिक ट्रेट. ठीक है, तो एक्वायर्ड acquired and another is the genetic trait. देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है acquired. acquired का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास बचपन से प्रेजेंट नहीं थे. ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम आपने क्या करा है, उसको acquired किया है या अपनी पर्सनैलिटी में उसको लेकर आए हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आप बचपन से बहुत ओबेस थे, ठीक है, आपने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई या आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गए, आप ओबेस हो गए. उसके बाद नेक्स्ट
किसी ने आपका बहुत मजाक बनाया, आपको गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर आपने डिसाइड करा अब तो मैं क्या करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा और बहुत सारी एक्सरसाइज करके सिक्स पैक्स एब्स चाहिए ही चाहिए मेरे को, ठीक है, दिखाना है मेरे को उसको। तो ये क्या है, ये क्या आपके इनहेरिट हुआ था, क्या आपके फादर के भी सिक्स पैक ऐप है तो उनसे आपको क्या एज अ गिफ्ट मिल गए हैं? नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप एक्वायर करते हो, लाइक गुस्सा आना, आपकी बॉडी शेप मेंटेन करना, ठीक है, और आपका इंटेलिजेंस लेवल, आप अच्छा सिंग कर सकते हो, तो ये सारी के सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से आती है, इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ये आपकी बॉडी में क्या होगा, इनकलकेट होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस जनरेशन में, आप क्या आप खुद एक बहुत अच्छे एथलीट हो या क्रिकेटर हो या वट एवर यू आर, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी एथलीट ही होंगी, उनकी बॉडी भी उतनी ही फिट होगी। सो दीज टाइप ऑफ ट्रेड्स डू नॉट गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बल्कि ये क्या होते हैं, आपकी बॉडी में आपने खुद लाए होते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो डू नॉट इनहेरिट, लेकिन अगर आप जेनेटिक ट्रेट्स की बात कर रहे हो तो ये आपके पेरेंट्स से आपको गिफ्ट में मिलती है, दीज आर द जेनेटिक ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप बहुत टॉल हो, तो यानी कि अगर आपके पेरेंट्स टॉल है तो देयर आर चांसेस कि आप भी टॉल ही होगे। अगर आपके मदर की आईज कैसी है, हेजल है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपकी आई भी हेजल होगी। अगर आपके मदर के गाल पे डिम्पल्स पड़ते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके गाल पे भी डिम्पल पड़ सकते हैं। तो ये ट्रेट्स जो आपके पेरेंट्स से आपको एज अ गिफ्ट मिले हैं, वो ट्रेट्स आपके होते हैं जेनेटिक ट्रेट। ये मैं इतने एक्सपेंड या इलाबोरेट करके इसलिए समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि ये बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको लाइन बाय लाइन लर्न कर लेनी है। बाकी देखो, बहुत अच्छे वीडियो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेट्स और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और जेनेटिक ट्रेट्स क्या होते हैं। आई होप दिस डाउट्स आर क्लियर टू यू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वट आर जीन्स एंड अलील्स। देखो अभी तक हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये चैप्टर है ही पूरा टर्मिनोलॉजी पे, जीन्स और अलील्स क्या होते हैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना है बेटा। देखो, यू नो दैट, देखना, यू नो दैट कि आपका क्या होता है, डीएनए इज देयर। अब आपको पता ही है डीएनए कहाँ होता है, डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है, फिर उसके बाद ये कॉम्पैक्ट होगा और बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा ये, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको कब देखने को मिलते हैं, सेल साइकिल में, जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो मेटाफेज में सबसे ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखोगे ना कि जो क्रोमोसोम्स की ये आर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं हम इसे, सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनके ऊपर ना कुछ सीक्वेंसेस होंगी, इनके ऊपर क्या होगा बेटा, कुछ सीक्वेंसेस होंगी, और ये सीक्वेंस अगर यहाँ पे एक प्रेजेंट है, देखो दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, फिर अलग कलर से बना देती हूँ, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। मैम देखना, कभी भी जो कलर यूज़ करेंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे ही यूज़ कर रही है। देखो क्या मतलब है इसका, ये जो सीक्वेंस, जो मैं कलर बैंड्स बना रही हूँ ना, ये है कोई ना कोई जीन। ये क्या है बेटा, जीन है। तो ये जो रेड वाला है, सपोज दैट कि ये आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये हाइट का जीन है, ठीक है, ये किसका जीन है, हाइट का जीन है। तो अगर यहाँ इस आर्म पे हाइट का जीन प्रेजेंट है तो इसके ऑपोजिट आर्म पे भी हाइट का ही जीन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ हाइट का जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका आई कलर का जीन प्रेजेंट हो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट सर्टेन ट्रेड्स। ये क्या है बेटा, कुछ ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा फिजिकल अपीयरेंस, सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। बट फिर मैम ये अलील्स क्या है, अलील्स नहीं पता, ठीक है, अलील्स क्या है, अलील्स आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीन। क्या है ये, दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैम अभी बताएगी आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना बच्चों कि यहां पे अगर हाइट है तो
तो इसके ऑपोजिट भी हाइट का ही जीन होगा। यहाँ पे अगर आई कलर का जीन है तो इसके ऑपोजिट भी आई कलर का जीन होगा। यहाँ अगर आपके हेयर कलर का जीन है तो इसके ऑपोजिट भी हेयर कलर का ही जीन होगा। ये है आपके अलील्स। अब अलील्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, वो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है कि जीन क्या होता है और अलील्स क्या होती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, सी होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस, दूसरी तरफ लिखा है मैंने डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बेटा होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस का क्या मतलब है, होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस से क्या मतलब है आपका, सुनो इधर। सपोज दैट आपको मैंने बोला कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन हम ये भी तो बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ 23 पेयर्स, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये क्रोमोजोम 1 है तो इसका पेयर होगा बेटा क्रोमोजोम 1, ये हो गया पेयर। मैं फिर बना देती हूँ दूसरा, ये देखो ये मेरा है क्रोमोजोम 2, ये क्या है बेटा क्रोमोजोम 2। मैम पूरा ट्राई कर रही है कि एग्जैक्ट सेम दिखे, ठीक है एग्जैक्ट सेम दिखे क्रोमोजोम 2। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप मान लेना कि ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। तो मैंने ऐसे करते करते ना हम बनाते हैं पूरे 23 पेयर्स। क्या बनाते हैं हम, पूरे के पूरे 23 पेयर्स बनाते हैं। तो ये जो सेट है ये है हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस मतलब सेम टाइप ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस। ठीक है, ये भी क्या है आपका होमोलोगस क्रोमोजोम, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ना होमोलोगस और हिट्रोजाइगस का, होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस का। तो यहाँ पे देखो होमोलोगस समझ में आ गया, होमोलॉजी मतलब सेम। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा, जब अलील की बात करेंगे तो सेम टाइप के अलील ऑन अ होमोलोगस क्रोमोजोम, सेम टाइप के। फॉर एग्जाम्पल देखो ऑल्टरनेटिव, अब मैंने बोला टॉलनेस, तो टॉलनेस यानी कि सॉरी मैंने बोला हाइट, तो हाइट के जीन तो बेटा दो हो सकते हैं ना, एक टॉलनेस का भी हो सकता है एक ड्वार्फनेस का, क्योंकि दोनों ही आपके हाइट बता रहे हैं, ये लंबा है ये छोटा है, हाइट बता रहे ना आपको। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी, सपोज दैट कि यहाँ पे आ गया, देखो सेम टाइप के अलील्स है ना, तो ये हो गया होमोजाइगस, और यहाँ पे देखो सेम टाइप के अलील है, ये भी हो गया होमोजाइगस। ठीक है, ये भी हो गया क्या आपका होमोजाइगस। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। लेकिन अगर मैं इन दोनों डिफरेंट अलील्स को साथ में ले लूं तब मैं बोलूंगी इसको हेटरोजाइगस टॉल, तब मैं क्या बोलूंगी इसको हेटरोजाइगस, दिस इज योर हेटरोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस टॉल, समझ में आ गया। होमोलोगस और हेटरोलोगस और दूसरा क्या है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है, तो हेटरोजाइगस टॉल, क्या कभी भी आपका रिसेसिव अलील हेटरोजाइगस हो सकता है, कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, क्या हो सकता है रिसेसिव अलील आपका हेटरोजाइगस, लेट्स सी। देखो इधर सी, अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करो, डोमिनेंट और रिसेसिव, भाई सीधी सी बात है, एक लड़का है क्लास का जो हमेशा दंगे करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, और एक लड़का है क्लास का जो बहुत सिंपल सा है, पढ़ाई में ध्यान देता है, ठीक है, और उसकी बॉडी वगैरह भी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन समहाउ वो जो सीधा सा लड़का है ना उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो लड़का बुली करता रहता था, ठीक है, उसने उसको बुली किया और उसको गुस्सा आ गया। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जीतेगा कौन, जो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है, और या जो बहुत ही ज़्यादा स्किनी सा है और मतलब सीधा साधा सा बच्चा है। डेफिनेटली आप कहोगे मैम वही जीतेगा जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उसका तो काम ही लड़ाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपके जो अलील्स होते हैं, अलील्स मैंने बता दिया अभी आपको क्या होते हैं, होमोजाइगस हेटरोजाइगस दोनों होते हैं। तो इस केस में देर आर टू टाइप ऑफ अलील्स, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। एक होता है क्या डोमिनेंट और दूसरा होता है क्या रिसेसिव। जो रिसेसिव वाला होगा ना वो कभी भी डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन बताई तो मैम ने ये नहीं बोला कि ये हेटरोजाइगस ड्वार्फ है, मैम ने क्या बोला, क्योंकि एक अलील आपका क्या आ गया डोमिनेंट आ गया, ये अलील कैसा आ गया डोमिनेंट आ गया, इसकी वजह से इसका कैरेक्टर तो छुप गया,
ड्वार्फनेस छुप गई। इसीलिए हमेशा हेटरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लिख लो इसको कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। तो अगर ये आपके, देखो चैप्टर में डोमिनेंट अलील को हमेशा कैपिटल लेटर से और रिसेसिव अलील को हमेशा स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये टॉलनेस के लिए कैपिटल टी दिया हुआ है और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का फ्यूजन कराओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो अब एक अलील आपका डोमिनेंट आ गया है तो रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो डोमिनेंट अलील इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। देखो मैम अभी से ना एडवर्टीजमेंट कर रही है आगे वाली टर्मिनोलॉजी का, तो आप बोलोगे मैम F1 जनरेशन क्या होती है, तो देखते हैं कि F1 जनरेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। देखो फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड जनरेशन, ठीक है। फिनोटाइप क्या हुआ और जीनोटाइप क्या हुआ, देखो मैं कोई एक पौधा लेकर आई हूँ, ठीक है, और मैंने आपके सामने उसको रखा, मैंने बोला बेटा ये रहा पौधा, इसे देख के बताओ तो कैसा लग रहा है ना। तो आप कहोगे मैम अच्छा पौधा है, टॉल है, इस पे तो कांटे भी है, ग्रीन लीव्स है, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो जो जो चीज़ें आपको दिख रही होगी ना आप वही चीज़ें मेरे को बताओगे। मैंने बोला अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि इस पौधे के अंदर जब आप इसे कट करोगे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो क्या आप मेरे को बता पाओगे। आप कहोगे मैम इतना नॉलेज तो नहीं है, अब इसको कैसे कट करना है क्या करना है ये नहीं पता हमको, लेकिन हमें ये पता है कि ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो जो भी चीज़ें आपको दिख रही है आपके अंदर, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे हेयर कलर कैसा है, लिटिल बिट ब्राउन है, ऑल दो कलर करा रखे हैं, नेचुरल ब्लैक है, ठीक है, और मेरे आई पे क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, और जो हाइट है ठीक ठाक छोटी सी है, ठीक है। तो ये आप मेरे को देख के बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप किसी दूसरे पर्सन को देख के भी बोल सकते हो, अरे इसका रंग तो बहुत फेयर है, अरे इसका रंग तो डार्क है। तो जो चीज़ें आपको दिख रही है वो उसका फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, क्या फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अगर आप जीनोटाइप की बात करोगे तो ये होता है जेनेटिक कॉम्पोजिशन। देखो मैंने बोला ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, सही है। लेकिन आप कैसे बताओगे, दोनों आपको टॉल दिख रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला टॉल है, हेटरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। तो ये तो हो गए भाई जीनोटाइप की बात, जो आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन आपको इफेक्ट पूरा दिख रहा है कि भाई जो भी प्लांट मैम लाई थी वो टॉल था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप और जीनोटाइप, समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे जनरेशंस की, अगर मैं बात करूं जनरेशंस कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो दादाजी है वहीं से शुरू कर लेते हैं, वो हो गई आपकी पेरेंटल जनरेशन। कौन सी है बेटा, पेरेंटल जनरेशन। जब पेरेंटल जनरेशन आपस में क्या करेंगी, फर्टिलाइज करेंगी, देन आपको जो मिलने वाला है उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो होगी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज योर F1 जनरेशन, जो आपके पापा जी वाली जनरेशन है। जब आपके फादर और मदर आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, देन आपको सेकेंड जनरेशन मिलेगी, दैट इज योर F2 जनरेशन, ठीक है। वैसे ही फर्दर क्या होगा, ये जनरेशन बढ़ते रहेंगी, ओके फाइन। सो दिस इज जितनी जो आपके में F1 F2, ठीक है, समझ में आ गया। पेरेंटल जनरेशन, देन F1 जनरेशन, देन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जनरेशन। अब मैम ने एक बात पहले बोली थी, जब मैम आपको डोमिनेंट और रिसेसिव बता रही थी, तो डोमिनेंट अलील हमेशा अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, हमेशा। देखो डोमिनेंट अलील जहां होगा ना वो एक्सप्रेस तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर जो आपके पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो प्योर टाइप थे, यानी कि दादाजी फुल्ली टॉल और दादी जी ड्वार्फ, तो उस केस में जो जनरेशन आएगी सेकेंड जनरेशन वो आपकी टॉल ही होगी, क्योंकि दादाजी के जीन्स क्या थे, डोमिनेंट थे, और दादी जी के रिसेसिव, तो रिसेसिव थे, तो इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरेशंस, ठीक है। आगे जब हम क्रॉस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बेटा ये है चैप्टर, टर्मिनोलॉजी ओवर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, ग्रिगर मेंडल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी करे थे कैरेक्टर्स की,
ट्रेट्स की, इन्होंने बताया था कि कौन सी जनरेशन में क्या होगा और इसके बेसिस पे इन्होंने लॉज दिए थे, ठीक है। वो लॉज भी हम एक एक करके देखेंगे, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, इन्होंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी और अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी समझ पाते हैं, ठीक है। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इतना सिंपल सा है लेकिन कभी कभी बोर्ड वाले एक नंबर में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आपके? ग्रिगर मेंडल। देखो वाई पी प्लांट, सॉरी पी प्लांट ही क्यों चूज किया इन्होंने? ये एलिफेंट को भी चूज कर सकते थे, ये ह्यूमन को भी चूज कर सकते थे, ये कोई भी एक्स वाई जेड एनिमल वगैरह ले सकते थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाइसम सटिवम को ही क्यों चूज किया, ठीक है? क्यों चूज किया भाई इन्होंने? इधर देखो पाइसम सटिवम, मटर का पौधा। प्लीज नाम याद कर लेना, बायोलॉजिकल नेम पूछा जाता है तो प्लीज इसका नाम याद कर लेना। देखो सबसे पहले इन्होंने देखा इतना बढ़िया पौधा, बताओ इसको उगाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं लग रही है, ठीक है, भर भर के उगा जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। मैं एक साल में पता नहीं कितनी जनरेशन उगा दूं और कितनी जनरेशन पे स्टडी कर लूंगा, ठीक है। तो बहुत कम टाइम पे इनको विदाउट यूजिंग यू नो मैनी मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो भाई सर्दियों का मौसम है, मम्मी ज्यादा से ज्यादा घर में मटर 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 मटर, तुम भी बोर हो गए हो मटर खा के, इसी से आइडिया लगा लो कि इसको उगाना कितना इजी होगा। कितनी मटर खाते हो ना सर्दियों में, मम्मी हर मतलब ये ऑब्सेस्ड हो जाती है सर्दियों में मटर से। तो वही चीजें हैं, द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। बेटा इसके जो फूल होते हैं ना फूल, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। लो भाई इसी के बेसिस पे ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद का फ्लावर, खुद का ही एंथर, एक ही फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि कहीं से उड़ के आ गया और उस फ्लावर पे बैठ गया। तो दोनों चीजें देखने को मिल रही है, दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटिंग इजीली कैन बी परफॉर्म, हो सकती है आराम से, ठीक है। दे डिफरेंट द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। मतलब इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे जो स्टडी करी थी ना, वो बड़े आराम से इनको इजीली विजिबल थे और स्टडी करना बहुत इजी था, इसीलिए इन्होंने पाइसम सटिवम को यूज किया। दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड द प्लांट्स दैट आर इजियर टू मेंटेन। ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें बड़े आसानी से आप मेंटेन भी कर सकते हो और बहुत आसानी से आप इसे उगा भी सकते हो, इनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है। देखो भाई अगर आपको ना किसी भी चीज पे रिसर्च करनी है ना, तो आप ऐसे ऑर्गेनिज्म पकड़ो जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारी तो लाइफ स्पैन फिक्स है ना 70-80 साल, ठीक है, जी लिए तो जी लिए। अब सोचो हमने पकड़ लिया हाथी को, हाथी के जो आपने देखा कि वो फर्टिलाइज ही कब करेंगे, वो मैच्योर ही कब होंगे, तो ये प्लांट बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी फर्टिलाइज करके बहुत जल्दी इनकी जो प्रोजेनीज हैं वो ग्रो करती हैं। इसीलिए टाइम बचाते हुए मेंडल जी ने बहुत समझदारी दिखाई और इन्होंने मटर के पौधे को चूज कर लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चूज किया, दिख स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, इन्होंने क्या 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी करी। देखो इतने मजेदार 7 कैरेक्टर्स है ना, कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे तुमसे 7 के 7 कैरेक्टर, और ये भी पूछा जाएगा कि इसमें से डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, ठीक है। तो देखो 7 कैरेक्टर्स देखे, सबसे पहले इन्होंने देखा कि सीड का जो शेप है वो क्या है, सीड का जो शेप है वो क्या है। तो जो राउंड और रिंकल्ड, इनको दो तरीके की सीड देखने को मिली, एक तो बढ़िया एकदम राउंड बॉल जैसी और एक थोड़ी सी रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल मतलब उस पर थोड़ी सी झुर्रियां सी आई हुई थी, ठीक है। तो जिसमें से राउंड वाला आपका क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, वेयर एज रिंकल वाला आपका रिसेसिव कैरेक्टर था, सही है पहला, ठीक है। येल्लो, इन्होंने बोला सीड का कलर कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव, येल्लो कलर आपका डोमिनेंट है। भाई अगर आप मटर को स्टोर करके रखोगे ना, तो हरी मटर को नहीं रखोगे, सड़ जाएगी वो, ठीक है। येल्लो मटर जो होगी ना उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख सकते हो, तो येल्लो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हेयरएज जो ग्रीन है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉड शेप। पॉड शेप मतलब अगर मम्मी कभी मार्केट जाएंगी तो मटर खरीद के लाएंगी, तो कभी नहीं वो ऐसे सूखी सूखी सी मटर खरीद के नहीं लाएंगी, एकदम पतली पतली पिचकी पिचकी, वो देखेंगे वाओ भैया ये बड़ी फूली हुई है, इसके अंदर दाने भी अच्छे होंगे, ठीक है, तो ये वाली मटर पैक कर दो 2 किलो, ठीक है, अगले 10 दिन तक बच्चों को मटर ही खिलाएंगे। फिर ये देखो इन्फ्लेटेड,
जो फूली हुई मटर होगी वो होगी आपकी डोमिनेंट, वेयर एज जो कंस्ट्रिक्टेड होगी ना इस तरीके की सुकड़ी सी जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बीज निकलते हैं, वो आपका होगा रिसेसिव करेक्टर। यहाँ पे आपका पॉड का कलर, ध्यान देना सीड का कलर और पॉड का कलर दोनों उल्टा है। सीड का कलर येल्लो डोमिनेटिंग है, वेयर एज पॉड का ग्रीन डोमिनेटिंग है। पॉड मतलब मटर कभी भी सूखी हरी, सूखी और पीली मटर लेके नहीं आएंगी, हरी मटर लेके आएंगी बढ़िया एकदम, ठीक है। तो हरी मटर जो है आपकी वो डोमिनेंट करेक्टर है, वेयर एज जो येल्लो वाला है वो आपका रिसेसिव रहेगा। फटाफट से जो फ्लावर है इसका पर्पल वाला डोमिनेंट है और व्हाइट वाला रिसेसिव। एक्सियल, ठीक है, जो टिप पे प्रेजेंट होंगे फ्लावर वो डोमिनेटिंग होंगे, जो टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होंगे वो आपके रिसेसिव होंगे। टॉल, प्लांट का जो साइज है मतलब वो टॉल होगा तो डोमिनेंट है और शॉर्ट होगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। मेंडल ने सबसे ज्यादा स्टडी टॉलनेस और ड्वार्फनेस पे करी, ठीक है। बाकी कैरेक्टर्स भी देखें जो आपकी बुक में मेंशन है वो बता रही हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड को स्प्लिट कर लो। चलो मोनोहाइब्रिड यानी कि उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को उठाया, उनका क्रॉस कराया और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको देखा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर उठाया, तो यहां पर इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो लिया था हाइट। क्या लिया था इन्होंने? हाइट लिया था। तो हाइट में इन्होंने क्या करा, दो वाइल्ड टाइप के पौधे उठाए। बेटा जब भी मैम बोल रही है ना वाइल्ड टाइप या पेरेंटल जनरेशन, तो आप याद रखना दोनों अलील्स आपके होमोजाइगस होंगे, यानी कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहां पे देखो होमोजाइगस टॉल को उन्होंने क्या करा, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्या कराया, फ्यूज कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही आपकी पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि यहां से स्टार्ट करा उन्होंने, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन सिंपल है, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे, इससे, यानी कि कैपिटल टी का स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो सारे के आपको सेम मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी, यस मैम सेम तो मिल रहे हैं, ठीक है। और मैम ने अभी बताया भी था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, तो बेटा ये जनरेशन कौन सी होगी, ये जनरेशन होगी F1, समझ में आ गया, ठीक है। F1 जनरेशन में ऑल टॉल, कैसे बेटा, ऑल टॉल, ठीक है। ये क्रॉस करने में तुम लोग ना बहुत वो कंफ्यूज करते हो, ये क्रॉस बहुत इजी है बेटा, एक एक करके बस उठाने हैं अलील्स और उनके साथ फ्यूज कराना है, दैट्स इट। अब हमने क्या करा, उन्होंने बोला कि चलो देखो सारे के सारे टॉल, मैंने तो ड्वार्फ लिया था, वो कंफ्यूज हो गया, ड्वार्फ के कैरेक्टर्स कहाँ गए, मदर के भी तो कैरेक्टर्स आने चाहिए थे, यानी कि दूसरे पौधे के भी तो कैरेक्टर आने चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा चलो ऐसा करता हूँ, जो आपकी जो F1 जनरेशन मिली है इन दोनों को ही आपस में फ्यूज करा देता हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, F2 जनरेशन में सेम कैरेक्टर्स यानी कि सेल्फिंग करा दी F जनरेशन की, इसको बोलते बेटा सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो इन्होंने क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज करा, वही करना है, पहले अलील को इसके पहले अलील के साथ क्या करना है, फ्यूज कराना है कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर इसको उठा के दूसरे के साथ कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर सेकंड वाले को पहले के साथ कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन स्मॉल टी स्मॉल टी। अब भाई मेंडल का दिमाग, ही वॉज लाइक क्या हो रहा है ये, F1 जनरेशन में तो देखने को नहीं मिला, F2 में कहाँ से आ गए अब ये छोटा पौधा, ठीक है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और स्टडी करी, देन ही कंक्लूडेड दैट कि जो अलील्स होते हैं वो एक ही जाएगा एक पेरेंट में, लाइक फॉर एग्जांपल गैमिट्स बताया उन्होंने, उन्होंने क्या बताया, बताया गैमिट्स को कि आपका एक ही गैमिट ट्रांसफर होगा, यानी कि यहाँ से एक टॉल वाला आया और यहाँ से एक आया ड्वार्फ वाला, फिर टॉल वाला ड्वार्फ वाला, तो यानी कि एक ही गैमिट ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से जो डोमिनेंट वाला गैमिट है वो अपना एक्सप्रेशन दे जा रहा है, और जो रिसेसिव वाला है जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा तो ही वो अपना एक्सप्रेशन देगा। तो यहाँ पे देखो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तभी मेंडल को देखने को मिला ड्वार्फ, क्या देखने को मिला बेटा, ड्वार्फ देखने को मिला, क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पे अगर हम देखो, मैम ने बताया था फीनोटिपिक और जीनोटिपिक, क्या बताया था, फीनोटिपिक। देखो कितने हैं इसमें से जो टॉल दिख रहे होंगे, ये भी टॉल होगा, ठीक है, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो भाई दिखने में तो ये तीन टॉल है, तो फीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा आपका कितना बेटा, 3:1, 3:1, यानी कि ये तो एक ड्वार्फ है। लेकिन अगर मैम बात करेंगे जीनोटिपिक की, तो इनके जीनोटिपिक देखो, जीनोटिपिक ये है आपका होमोजाइगस टॉल, लिख लो भाई एक ही होमोजाइगस टॉल है,
फिर ये दो आपके हैं हेटरोजाइगस स्टॉल, लिख लो भाई दो हेटरोजाइगस स्टॉल हैं, ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि एक होमोजाइगस रिसेसिव आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया जीनोटिपिक, सिंपल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं करना, एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों फ्यूज कराया, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, फिर F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, F2 जनरेशन में आपको पेरेंटल जनरेशन दोबारा देखने को मिल गई। इसी के बेसिस पे इन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिया इन्होंने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरी ओनली वन अलील फॉर ईच जीन। मैम ने अभी अभी यही बताया ना कि ईच जीन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो एक जीन सेपरेट होता है दूसरे से, यानी कि अगर ये कैपिटल डी है तो ये एक ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एक पेरेंट, बाकी दूसरा पेरेंट एक कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और बाद में ये आपस में, देखो डोमिनेंट वाला अपना एक एक्सप्रेशन दे देगा, लेकिन ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये बिछड़ जाते हैं आपके F2 जनरेशन में, जिसमें आपको पेरेंटल जनरेशन दोबारा देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो कई बार मैम ने डोमिनेंट डोमिनेंट बोल दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ नहीं बोलता, वो बस ये बोलता है कि हेटरोजाइगस कंडीशन में आपका डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वेयर एज रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। समझ में आ गया? रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। दिस वॉज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा डाई हाइब्रिड, अभी क्या था? मोनो हाइब्रिड, मोनो में एक कैरेक्टर, डाई में दो कैरेक्टर। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, ये बच्चे ये पुनेट स्क्वायर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तुम्हारी ऐसी हालत खराब हो जाती है ना पुनेट स्क्वायर करने में, इतना इजी ये पुनेट स्क्वायर है, अभी बताती हूँ तुमको। देखो देखो, डाई में इन्होंने क्या करा ना, मेंडल ने बोला यार बोर हो गया मैं मोनो हाइब्रिड कर करके भयंकर, एक कैरेक्टर पे स्टडी करा जा रहा हूँ, चलो ऐसा करता हूँ अब मैं दो कैरेक्टर पे क्या कर रहा हूँ स्टडी करता हूँ। मैंने उठा लिया राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, सीड का मैम ने बताया ना अभी, राउंड एंड रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। ठीक है, इन्होंने सीड का के लिया राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन। ठीक है, ये कैरेक्टर्स इन्होंने उठा लिए। तो सबसे पहले राउंड और येलो, ये दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं, देखो अलग अलग हैं ये। ठीक है, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड क्योंकि मैम ने बोला कि जो अल्फाबेटिकल आप कैपिटल लोगे उसी का ही वो स्मॉल अल्फाबेट यूज करोगे, तो यहां पे देखो RR और वाई वाई, क्लियर है? क्लियर है, चलो कलर चेंज करते हैं। यहां से जो आपके गैमेट बनेंगे, तो आप देखो ना इसको इसके साथ फ्यूज कराओगे, जब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये बन गया आपका F1 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जो सीड बनेगी F1 जनरेशन में वो हो गया आपकी राउंड येलो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, अगर मैं इसकी सेल्फिंग करा दूं, सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग करा देते हैं, चलो आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, सेल्फिंग कराने के बाद बेटा यहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर बनाती हूँ, देखो यहाँ पे, हालांकि वो भी बना हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सीधे, जब तक बना के नहीं दिखाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आर और वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए आपके चार तरीके के गैमेट्स। इन्हीं चार तरीके के गैमेट्स को कुछ नहीं करना, चुपचाप उठा के इधर रख दो, आर वाई, सीक्वेंस चेंज मत करना बच्चों, आर वाई और आर और वाई, बन गए गैमेट्स। अब कुछ नहीं करना है, इस सिंपल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हो गया ना चार बार मल्टीप्लाई। फिर सेकंड वाले के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करते करते आप पूरा पुनेट स्क्वायर फिल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये है आपकी जनरेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो फीनोटिपिक रेशियो आता है, इसका जो फीनोटिपिक रेशियो आता है बच्चों, वो क्या होता है? देखो बेटा,
फिनोटिपिक, आपकी बुक में लिखा हुआ है फिनोटिपिक रेशियो आएगा, वो आएगा 9:3:3:1. क्या आएगा रेशियो? 9:3:3:1. याद कर लो इसको, डायरेक्ट भी पूछा जाता है. लेकिन अगर मैं जीनोटिपिक की बात करूं, आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी होता है. पता कई टीचर बोलते हैं अरे इतना लंबा है क्या याद करोगे, टफ होता है. नहीं नहीं नहीं, बस आपको याद रखना है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:1, आपको बस उतना याद रखना है, बाकी मैम अभी बता देंगी आपको. देखो 1:1 हो गया. अब इसी को क्या करो, डबल कर लो. 1 का डबल कितना हुआ? 2. 2 का डबल कितना हुआ? 4. 1 का डबल अगेन कितना हुआ? 2. तो 2, 4, 2. फिर उठा के दोबारा से लिख दो 1:2:1. ये दिखने में ही लंबा है इसका जीनोटिपिक रेशियो, बट कैसा है, बहुत ज्यादा ईजी. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस. दो कैरेक्टर्स लिए हैं, इसी के बेसिस पे मेंडल ने दिया आपका, क्या दिया मेंडल ने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या दिया इन्होंने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये क्या बोल रहा है कि आप चाहे कितने भी कैरेक्टर ले लो, चलो इन्होंने तो डाई हाइब्रिड पे एक्सप्लेन किया, बाद में और भी करें, चाहे आप ट्राई हाइब्रिड बना लो, टेट्रा हाइब्रिड बना लो, पेंटा हाइब्रिड बना लो, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली ही एक्सप्रेस करेंगे. जैसे कि आपने लिया राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि आपने सीड कलर और सीड शेप लिया. ऐसा नहीं होगा कि राउंड वाला रिंकल्ड के साथ आने से मना कर दे. राउंड क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो जब रिंकल्ड के साथ आएगा तो राउंड एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, येलो क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो जब ग्रीन के साथ आएगा तो एक्सप्रेस करेगा. लेकिन अगर आप इनको क्रॉस करके देखो तो आपको जो सीड मिलेंगे ना, वो आपको येलो रिंकल्ड भी मिल सकते हैं, वो आपको राउंड ग्रीन भी मिल सकते हैं. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में दूसरे कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट आए. नहीं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज योर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नेक्स्ट, वट आर ऑटोजोम एंड वट आर एलोजोम्स. ऑटोजोम्स और एलोजोम्स क्या होते हैं? वेरी वेरी सिंपल. देखो इससे क्वेश्चन आ जाता है ऑटोजोम एंड एलोजोम्स. अभी मैम ने बताया यू आर हैविंग द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. क्या है भाई आपके पास? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें से 22 आपके ऑटोजोम है और 1 आपका एलोजोम है. ठीक है, ऑटोसोम्स क्या हुए? ऑटोसोम्स वो अदर देन सेक्स सेल्स जो आपके पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं. बट यू आर अ फीमेल और यू आर अ मेल, ये डिसाइड आपके ऑटोसोम्स नहीं करते. वो कौन करते हैं? एलोसोम्स करते हैं, और इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. ये सिर्फ एक पेयर ही प्रेजेंट होता है. मेल के अंदर आपके प्रेजेंट होंगे एक्स और वाई, फीमेल के अंदर होमोजाइगस टाइप के होते हैं, दैट इज एक्स और एक्स. तो फीमेल आर होमोजाइगस. क्या होती है बेटा? होमोजाइगस होती हैं फॉर द सेक्स क्रोमोसोम, वेयर एज मेल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर द सेक्स क्रोमोसोम. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन नथिंग. ठीक है, यहाँ पे देखो एक कपल है. ठीक है, दे आर हैविंग अ किड्स. ठीक है, वन इज फीमेल यानी कि इन पे क्रोमोसोम होगा XX, और वन इज मेल यानी कि क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे XY. बाकी के ऑटोसोम सेम होंगे, 22 ऑटोसोम्स. तो अगर आप इनका क्रॉस कराओगे, तो यहाँ पे देखो, इफ मेल कॉन्ट्रीब्यूटेड वाई देन द चाइल्ड बॉर्न इज गोइंग टू बी XY, दैट इज
मेल या बेबी बॉय. इफ मेल कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स, इफ मेल कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स, देन द चाइल्ड इज गोइंग टू बी बेबी गर्ल. ठीक है, तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन बताओ होता क्या है. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द सेक्स इफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड एज द सेक्स डिटर्मिनेशन. यानी कि चाइल्ड का सेक्स बताना इज कॉल्ड एज द सेक्स डिटर्मिनेशन. और ये कौन बता पाएगा, देखो इधर, ये रहे आपके पेरेंट्स, मदर और फादर. ठीक है, ये मदर है और ये फादर है. इसको आप अगर क्रॉस कराओगे एक्स और एक्स, इसको क्रॉस कराओगे एक्स और वाई, इसको क्रॉस कराओगे एक्स और वाई एंड अगेन एक्स और एक्स, ये बन गए आपके. देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ना प्रोबेबिलिटी की. बच्चों को ऐसा लगता है ना कि एक चाइल्ड ये होगा गर्ल, देन ये बॉय, देन ये गर्ल, देन बॉय, ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा फीमेल होने की 1 और 2, कितने हैं भाई 2/4. फिर मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, दैट मींस 50%, 50%. दैट मींस वेन एवर अ कपल इज हैविंग अ चाइल्ड देन द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 50% दैट द पर्सन कैन हैव द बेबी कैन बी द फीमेल और अ मेल. उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमेशा 50% रहेगी. आप कभी भी ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस बार क्या है बेबी बॉय है तो अगली बार बेबी गर्ल होगी. नो, इट इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 50% रहेगी. दिस इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस. एवोल्यूशन को मैं मिस कर रही थी इसलिए मैंने इस तरीके का ये स्लाइड बना दिया. ठीक है, तो एवोल्यूशन चैप्टर आपका नहीं है, आप तो खुश हो ही जाओ. ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर था वैसे, उससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. नेक्स्ट आप मेरे को क्या करोगे, जो भी डाउट्स हैं अपने कॉमेंट्स में बताओगे. थैंक यू सो मच. एंड बाकी के जो वीडियोज हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट डे.